कृपया यात्री अपनी सीट धारण कर लीजिए, क्योंकि मैं आज को ले जाने वाला हूँ नैनीताल। जी हाँ, आपने सही सुना, नैनीताल जो सिचुएट है उत्तराखंड के कुमाऊँ रीजन में, और जो उत्तराखंड की पहाड़ी इलाका है, विच इज़ वन ऑफ द इट्स कॉल्ड बेस्ट हिल स्टेशन इन द उत्तराखंड। तो नैनीताल आई एम गोइंग फ्रॉम द लखनऊ, सो आई टेक ट्रेन फ्रॉम द लखनऊ टू काठगोडम। काठगोडम इज़ द नियरेस्ट स्टेशन टू द नैनीताल, एंड फ्रॉम देर यू टेक अ बस टू द नैनीताल। सो नैनीताल इज़ वेरी हाई माउंटेन रेंजेस, इज एलिवेशन ऑफ द 2000 meters. सो इट्स वेरी हाई ऑन माउंटेन, सो देर इज नो ट्रेन इज गोइंग देर, सो यू शुड टेक अ बस। नाउ दिस इज नैनीताल एंड आई रीच हियर। तो ये है मनाली, नॉट मनाली से नैनीताल, एंड ओ माय गॉड दिस ब्यूटी इज सो कूल। आई मीन सी दिस हाउ कूल इट इज। सो हाँ, हम चल रहे हैं मेरे स्टे की तरफ। सो या ओ माय गॉड दिस इज माय व्यू फ्रॉम बालकनी, एंड सी हाउ दिस इज ओनली माउंटेन यू कैन सी। आई विल शो यू हाउ दिस इज लुक लाइक। ओ लिटरली इट्स अ माउंटेन एंड दिस इज नैनीताल, एंड आई एम हियर at the youth hostel. This is a youth hostel and I am member of that, so I have membership, and it's government by, it's an international organization which is organized, and you can see behind me, I mean this is literally the, you know, Nainital, Uttarakhand. So yeah, and I even see so what happened, like from Lucknow I take a train, and it will drop you to Kathgodam, which is nearby the Nainital station, and from here you take a bus which costs you 75. Now this is very high altitude, so you must be hungry paid, you must be empty paid, because you will be vomiting in the bus because it's a very zigzag road. Now and it will take 1 hour to reach Nainital. Nainital is a good hill station and in Uttarakhand, and it may be falling snowfall in the, you know, few within 1 or 2 days. So let's see how it is going on now. I'm very hungry, so I'm going for the breakfast, and I'll show you the whole street, how it is working. और मतलब यहाँ की वादियाँ इतनी सुंदर है कि आप मानोगे नहीं, and भूख लगती है, चलो पहले चाय पीने, and then we'll see how it is working like. यही है मेरी प्रॉपर्टी पीछे, एंड यू कैन सी हाउ इट्स लुक लाइक। सो वेरी चीप लाइक डॉर्मेट्री 160, एंड वेरी ह्यूज बाय द वे, यू कैन कम हियर एंड स्टे हियर लाइक दिस वन। You know, I like the Uttarakhand because of, you know, this zigzag road and this mountain you can see. Now this is mountain, I'm going towards here, the breakfast, let's see kya hota hai.
So like I am staying at this high court area, and oh my god, you can see that. I mean, see how cool is that? So the thing is, high court is 3 kilometers away from the main city center, so you have to be go there. You can see the whole view. Now here is very cold, and you don't find easily auto, so यहाँ पे बाइक सिस्टम चलता है, 50 रुपये एंड 100 रुपये. सो मतलब इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बट इफ़ यू आर 2 पर्सन यू कैन रेंट अ बाइक, दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट. लाइक Now this is the main, you can go from here, see, this is like Manali 1 kilometer, and oh my god, it's very cold here, but I have to find my thing. I can see behind my, how it looks like, some kind of graffiti art in here. यहाँ की गली इतनी, इट्स सो नैरो कि यू लाइक टू वॉक. एंड यहाँ के घर भी इतने लाइक इट्स सो क्यूट, सो यू लाइक अ लॉट. आई मीन इफ यू डोंट लाइक टू वॉक देन वी शुड रेंट अ बाइक, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन. No, also it's like the sun shining, so you'll get the heat here. और यह सो द थिंग इज यहाँ पे इतना कैश नहीं चल, मतलब पेटीएम नहीं चलता, यू शुड बी हैव द कैश. So like Mamu ki bakery, we are coming here, and I don't know which one is so this one or this one. हमको इधर जाना है और देखते हैं. एक ले लीजिए एक पीस. तो क्या बोलते हैं, बाल मिठाई? बाल मिठाई. और ये ऊपर क्या है, शुगर पॉप्स. अरे आप कब से बना रहे हो, आपका बनाम बहुत फेमस है. बहुत टाइम हो गया बेंगलोर से खाने आए हो. अच्छा, थैंक यू. तो ये किसकी बनी होती है? ये मावी की. अच्छा, और कितनी पुरानी है दुकान? 1940. और क्या फेमस है इसके अलावा? ये तो विदाउट शुगर बॉल, एक शुगर बॉल होगा. अच्छा, और ये? ये तो डोडा बनती है, ये तो कॉमन, ये जो लोकल यहाँ का ऑथेंटिक है ये तो. अच्छा, तो ट्राई करते हैं गाइस, लेट्स जस्ट यू नो. इट्स नाइस, ये शुगर कोटिंग है और पूरा मार का है. मुझे लाइक तो यहाँ पे बहुत रसगुल्ला है, गुलाब जामुन भी है. वो तो वेट पूरे शाम को फिर से आएंगे.
अरे बाजार को क्या बोलते हो भाई? बड़ा बाजार। बड़ा बाजार पुरानी मार्केट है। अच्छा, अरे हाथ के ग्लोव, गरम ग्लोव लेने हो तो टोपी वगैरह मिल जाएंगे दुकान बेकरी शॉप के आगे। ये बुलंद के होते कि अच्छे वाले? हाँ बढ़िया। अच्छा और यहाँ क्या घूमने को है? पहली बार आ रहा है। कैमल्स बैग है, पॉइंट चाइना पिक ऊपर पॉइंट पॉइंट ट्रैकिंग का है सामने, वहाँ से लेक का व्यू आता है, पीछे हिमालयन व्यू आता है। कितना लंबा है? जहाँ गाड़ी छोड़ेगी आपको ऊपर तक, वहाँ से फिर 3.5 किलोमीटर का ट्रैक। गाड़ी कहाँ से मिलेगी? गाड़ी नीचे मिल जाएगी आपको, ये टैक्सी वाली होती है, बाइक वाला या वो टैक्सी वाला कोई भी छोड़ दे। तो यहाँ पे शटल नहीं होता, बाइक वाले टैक्सी होती है ऐसा कैसे? हाँ बाइक वाले वो भी 50 रुपये लेते हैं 2 किलोमीटर का। हाँ महंगा ही है सर, 100-150 रुपये 200 रुपये ऐसे, या लोकल वालों को भी ऐसे लेते हैं। अच्छा पेट्रोल ही इतना महंगा है वो सब क्या, इससे तो रेंट कर लेते बाइक। रेंट भी कर सकते हैं आप, 700-800 मिल जाएगी आपको, रेंट कर लो आप, घूमते रहो अपना जहाँ जाना आपको वहाँ घूमते रहिए। अपने तो ऑफ सीजन है ना? हाँ मिल जाएगी, 600 मिल जाएगी ज़्यादा से, इससे कम तो नहीं मिलेगी, 600-700 अपना अपने हिसाब से घूमते रहिए आप, जितना दिन के लिए चाहिए आपको बाइक, अपने आईडी ले लेते हो वो सही पड़ेगा आपको, तब भी अपना पेट्रोल भरा लीजिए। 100-100 रुपये ज़्यादा ही हो जाएगा। अपना पेट्रोल भरा लीजिएगा आप बाइक में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी है उनको बता दीजिए। क्या प्राइस है पेट्रोल का इधर? पेट्रोल का प्राइस क्या है? 94-95 सर। कुछ ही ज़्यादा हमारे यहाँ में 120 है। 20 है बेंगलोर में? क्या बात, कर्नाटक का? अच्छा अच्छा सस्ता है इधर, बहुत सस्ता। हाँ 90 है मेरे ख्याल से, कुछ जितना मुझे याद आता है 94। अच्छा मुझे लगा सब जगह एक ही ऐसा होता होगा। नहीं स्टेट पर डिपेंड करता है। हाँ नहीं नहीं होता होता ही है। अच्छा मैंने गुजरात में 85 है। हाँ नहीं वो तो होता ही है स्टेट, आपके यहाँ कुछ ज़्यादा महंगा भी लोग चलते हैं। हाँ क्या कर सकते, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। तो आप अकेले आए? हाँ मैं अकेला आया। अच्छा अभी लखनऊ से आ रहा हूँ। अच्छा ये ठंड बहुत लग रही थी, मैंने पहले कुछ ले लो। मैं रह रहा हूँ हाईकोर्ट पास। अच्छा अच्छा हाँ विंटर्स में ठंडा तो उसमें से छोड़ो होता ही है सब। इस बार तो वैसे इतना नहीं हो रहा है जितना और टाइम के मुकाबले, क्योंकि स्नो नहीं गिरी है, कुछ हो नहीं रहा है ना, नॉर्मल टेम्परेचर। इस बार तो मुश्किल लग रहा है कुछ। अच्छा ये नैनी देवी का मंदिर कुछ? हाँ वो आगे जाके नीचे राइट लेंगे आप। अच्छा। बड़ा सा फील्ड आएगा उसके पीछे, भूटा मार्केट, तिब्बतन मार्केट, वहाँ खाने पीने का भी है मार्केट पूरा। बाकी फिर भीमताल लग रहा है, नकुच ताल लग रहा है, यहाँ से आधा एक घंटे का रास्ता है, वहाँ भी लेक है, जैसे ये लेक है ना वहाँ भी लेक है, सात ताल, भीमताल, नकुच ताल, बढ़िया है। तो बढ़िया जगह बोले जहाँ लंच और डिनर कर सको, बजट फ्रेंडली। ये शिवा है, यहाँ पर शिवा रेस्टोरेंट है वेज। अच्छा वेज ही खाते हैं? नॉन वेज भी खाते। अच्छा वेज तो शिवा यहाँ पर है, सस्ता बढ़िया। उसके सामने अनुपम भी है शिवा के, मगर आजकल क्लोज होने का। अच्छा विंटर्स में क्लोज करते हैं कुछ टाइम के लिए, वो भी ठीक है, वो वेज नॉन वेज दोनों। फिर नीचे मॉल रोड साइड तो थोड़ा महंगा है, एक्सपेंसिव। और घर के लिए शॉपिंग करना हो इधर से? शॉपिंग तो फिर कैंडल्स तक ले आते हैं, ये ले आते हैं मिठाई जो आप खाते हैं, ये भी ले आते हैं। कितने दिन तक चलती है ये? 15-20 दिन, क्योंकि मैं मेरा लंबा ट्रिप है 15 दिन का। कुछ नहीं होगा, इस बार कहाँ जाना आपको? यहाँ से मैं ऋषिकेश जाऊँगा देहरादून, मजदूरी चंडीगढ़ होके दिल्ली होके आगरा से घर। तो खराब नहीं होता, 15-20 दिन भी रखेंगे कुछ नहीं होता। बोलते लोग फ़ौरन जाती है वहाँ ले जाते हैं लोग, कुछ नहीं होता, एक महीना कुछ नहीं होता। स्नो व्यू करके है वहाँ से ट्रॉली जाती है, फिर केबल काम ही रख सकते हैं ऊपर से चलते हैं। तो गाइस व्हेनेवर यू आर कमिंग दिस इज़ मामूस नैनी शॉप, ये बड़ा बाजार में है जो कि बहुत ओल्ड बाजार है, और ये मस्ट ट्राई कीजिए। इसका भी और कुछ है, गुलाब जामुन भी अच्छे दिख रहे हैं, पेड़ा है, पेड़ा भी अच्छा है। कभी आइए लंच में, खाने के बाद इधर आइए, डिनर के बाद इधर आ जाए, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो आप प्रॉपर बेंगलोर में रहते हैं?